नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल कैबिनेट बैठक की तिथि हो गई तय, जाने क्या रहेंगे चर्चा के मुद्दे। हिमाचल में 3 शिक्षकों समेत 66 नए कोरोना पॉजिटिव, जाने किस जिले में कितने सक्रिय मामले। सीएम का पुतला जलाने पर यूका कार्यकर्ताओं और पुलिस में 15 मिनट तक धक्का मुक्की। हिमाचल का बेटा बन गया अरबपति, भारत के टॉप 10 अरबपतियों में बनाई जगह, जानिए इनकी सफलता की कहानी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, पीएम सड़क योजना में 463 सड़कें स्वीकृत, खरीदी गई 50 इलेक्ट्रिक बसें। सेना में जाने का मौका, ऊना में 17 मार्च से भर्ती, इन जिलों के युवा ही आ सकेंगे। जरूरत हुई तो कंगना को सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी सरकार। नशे में धुत लड़कियों के बीच खूब चले लाखों से सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। दिव्यांग महिला के साथ हैवानियत की हदें पार, आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस ने बनाई रणनीति, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर इस दिन करेगी विधानसभा का घेराव। HPSSC ने घोषित किया पोस्ट कोड 776 के लिखित परीक्षा का रिजल्ट आउट। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 66 नए मामले आए हैं। बिलासपुर जिले में 18, सोलन 13, कांगड़ा 9, शिमला 8, चंबा 3, कुल्लू 5, मंडी 1, सिरमौर 6 और ऊना में 3 नए मामले आए। बिलासपुर जिले में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। इनमें घुमारवी से 1, हौजरी से 1, साथ 16 मामले पॉजिटिव आए। सिरमौर के पापटा इलाके के 3 शिक्षक भी पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में बुधवार को कोरोना की जांच के लिए 6756 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 6568 की रिपोर्ट नेगेटिव और 138 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है। इसके अलावा जिले में 12 अन्य लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58877 पहुंच गया। सक्रिय मामले अब 495 हो गए हैं। सीएम का पुतला जलाने पर यूका कार्यकर्ताओं और पुलिस में 15 मिनट तक धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय का ढालपुर चौक बुधवार को पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कुछ देर तक अखाड़ा बन गया। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने को लेकर युवा कांग्रेस और पुलिस के बीच खूब झड़प हुई। करीब 2 बजे जैसे ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला जलाने लगे तो पुलिस के जवानों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। धक्का मुक्की के दौरान कई एक महिला कांस्टेबल की टोपी भी जमीन पर गिर गई। माहौल तनावपूर्ण बन गया था। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर भी पुतला जला दिया। हालांकि पुतला बचाने के लिए पुलिस के जवानों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब धक्का मुक्की हुई। मामला यही शांत नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला जलाने की कोशिश जारी रखी। करीब 15 मिनट तक यहां पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती रही। हिमाचल का बेटा बन गया अरबपति, भारत के टॉप 10 अरबपतियों में बनाई जगह, जानिए इनकी सफलता की कहानी। किसान के बेटे जय चौधरी ने कड़ी मेहनत के दम पर भारत के टॉप 10 अरबपतियों में अपनी जगह बनाई है। सरकारी स्कूल से पढ़कर उच्च शिक्षा हासिल करने अमेरिका गए जय चौधरी आज दुनिया के अरबपतियों की सूची में 577वें स्थान पर हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में ये रैंकिंग सामने आई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पनोह गांव से संबंध रखने वाले जय चौधरी अमेरिका में जी स्केलर कंपनी के CEO हैं। जय चौधरी का असली नाम जगतार सिंह चौधरी है। जय चौधरी के पिता भगत सिंह पनोह गांव के प्रधान रह चुके हैं। हल चलाकर अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले भगत सिंह अपनी धर्मपत्नी के साथ इन दिनों अमेरिका में ही रहते हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, पीएम सड़क योजना में 463 सड़कें स्वीकृत, खरीदी गई 50 इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने बीते 3 साल में 50 इलेक्ट्रिक बसें और 3 टेम्पो ट्रैवलर की खरीद की। इलेक्ट्रिक बसें स्थानीय क्षेत्र ढली के लिए आवंटित की गई हैं। 3 टेम्पो ट्रैवलर केलांग क्षेत्र के लिए आवंटित हुए हैं। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने ये जानकारी विधायक मोहनलाल बागचा को लिखित प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में दी। कहा कि रोहड़ू में 8 बसों की कमी है। रोहड़ू से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा चलाने का कोई विचार नहीं। निगम में 640 पद चालकों और 799 पद परिचालकों के खाली हैं। चालकों के लिए 400 और परिचालकों के 568 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। सेना में जाने का मौका, ऊना में 17 मार्च से भर्ती, इन जिलों के युवा ही आ सकेंगे। युवाओं के पास सेना में भर्ती होने का मौका है। ऊना के इंदिरा गांधी खेल मैदान में 17 मार्च से 6 अप्रैल तक भर्ती रैली होने की जा रही है। हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक लिपिक के पदों के लिए भर्ती होगी। भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर संजीव कुमार ने बताया
कि जिन उम्मीदवारों ने www.joinindiaarmy.nic.in वेबसाइट के माध्यम से 13 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है, उन्हीं उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जरूरत हुई तो कंगना को सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी सरकार, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जरूरत हुई तो हिमाचल प्रदेश सरकार अभिनेत्री कंगना रणौत को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। झलियारा में पत्रकारों के सवाल पर सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। कंगना ने महाराष्ट्र में चल रहे कोर्ट के मामलों को हिमाचल शिफ्ट करने की इच्छा जाहिर की है। सीएम ने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। नशे में धुत लड़कियों के बीच खूब चले लात घूंसे, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में नशे में धुत लड़कियों के बीच जमकर लात घूंसे चले 5 लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसमें लड़कियां एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करती नजर आ रही हैं। पुलिस ने पुलिस एक्ट के तहत 5 लड़कियों को पकड़ा है। इसमें एक 19 साल की और 4 अन्य नाबालिग हैं। हालांकि बाद में 10,000 के मुचलके पर जमानत देकर इन्हें परिजनों के हवाले कर दिया गया। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। नेहरू पार्क में दोपहर के समय 5 लड़कियां नशे में धुत होकर हाथापाई करने लगी। कुल्लू में 2 जगह इन लड़कियों के बीच हाथापाई हुई। नशे में धुत ये लड़कियां एक दूसरे को गालियां भी दे रही हैं। लड़कियों के बीच हो रही मारपीट देखकर कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। दिव्यांग महिला के साथ हैवानियत की हद पार, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत आने वाले गांव की एक दिव्यांग महिला के साथ उसी के घर में जबरन घुसकर दुराचार करने का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी सूरम सिंह धीमान ने बताया कि मेडिकल में पीड़ित महिला के साथ हुए दुराचार की पुष्टि होने के उपरांत 20 वर्षीय आरोपी को उसके संभावित ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी है कि मंगलवार देर रात करीब 10 बजे गांव का ही एक व्यक्ति नशे में धुत होकर आधमका और दरवाजा खटखटाने लगा। पीड़िता द्वारा दरवाजे को खोलने से मना करने पर आरोपी दरवाजा तोड़ने को आतुर हो गया, जिस पर महिला ने डर के मारे दरवाजे की कुंडी खोल दी और आरोपी से इस बात का कारण पूछना चाहा, मगर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट और धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे दिव्यांग पीड़िता नीचे गिर गई। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर दिव्यांग महिला को जबरन अपनी हवस का शिकार बना दिया। कांग्रेस ने बनाई रणनीति, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर इस दिन करेगी विधानसभा का घेराव। 26 फरवरी को विधानसभा में हुई राज्यपाल के साथ प्रकरण को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी 10 मार्च को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ मीटिंग के बाद ये बात कही। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राठौर ने जिला कांग्रेस की अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव और विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश का हर वर्ग परेशान है और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। HPSSC ने घोषित किया पोस्ट कोड 776 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग HPSSC ने पोस्ट कोड 776 के तहत मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 162 पदों को भरने के लिए ली गई लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये परीक्षा 29 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। ये जानकारी हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा में 212 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। 12 से 15 मार्च तक मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन आयोग के मुख्यालय में किया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट बैठक की तिथि हो गई तय, जाने क्या रहेंगे चर्चा के मुद्दे। हिमाचल की जयराम सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 4 मार्च को होगी। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा हो सकती है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले हैं। आज सीएम जयराम ठाकुर ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि अगर मामले इसी तरह बढ़े तो प्रदेश सरकार एक बार फिर कोरोना नियमों को लेकर सख्ती करेगी। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को अंधड़ की चेतावनी के बीच सभी क्षेत्रों में धूप खिली। गुरुवार और शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 6 मार्च से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 6 और 7 मार्च को मैदानी जिलों में अंधड़ और बारिश तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।